हेलो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल। एंड सेकंड ऑफ ऑल कि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत। तो संस्कृत को ना बहुत मतलब इजी वे से मैं आपको बता दूँगी कि आप उसे कैसे समझ सकते हो, क्योंकि इसके ना कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जो आपको लाइफ टाइम के लिए अगर याद हो गए तो आप जो भी संस्कृत के मतलब सेंटेंसेस या वर्ड लिखे होंगे आप उन्हें समझ सकते हो कि वो क्या लिखा है। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, सबसे पहले तो जब हम सिंगुलर की बात करते हैं, और सिंगुलर मतलब एक वचन, और द्वि वचन का मतलब टू, मतलब सिर्फ दो लोगों की जब बात की जाए, और प्लूरल मतलब बहुवचन। तो सबसे पहले तो ये हमारा इम्पोर्टेंट बेस है। सबसे पहले अगर हमें ये याद हो गया तो हमें बाकी की चीज़ें आसानी से आ जाएंगी। हाँ, तो जब मेल की बात की जाए और मेल का सिंगुलर जो कि होता है एक वचन, तो मेल का यानी पुरुष वचक का हमारा होता है सह। सह दौते, मेल का सिंगुलर हमारा सह, मेल का द्विवचन हमारा तव, और मेल का बहुवचन हमारा ते। अगर हम यहाँ पे फीमेल की बात की जाए तो सा ते ता, एक वचन हमारा सा, द्विवचन हमारा ते, और ता हमारा बहुवचन। अब न्यूट्रल जेंडर का तत् ते तानी, एक वचन हमारा तत्, द्विवचन हमारा ते, और बहुवचन हमारा तानी। अगर आपको ये समझना है और सीखना है तो आप वीडियो को पॉज करके सीख लीजिए, और मैं ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियोस लाती रहूँगी आपके लिए संस्कृत के।